थोड़ा सा रवैया कड़ा करना होगा कि आखिर बाघों को बचाया जा सके। यदि उन्हें इतने संसाधन, इतना भारी भरकम बजट दिया जाता है तो वो उसका सही से उपयोग करें, बाघों की सही से रक्षा करें। दीतिका, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया बिमलेश आपका। राजगढ़ के जीरापुर गौ सेवा सदन समिति की गौशाला से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। गौशाला के ग्राउंड में गौवंश के शव मिले हैं। खुले में गौवंश के शव को फेंका गया था और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि गौवंश के शवों को गाय खा रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय भूखी प्यासी रही होगी। वहीं इस मामले को लेकर जीरापुर नगर परिषद और गौशाला प्रबंधन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं चार दिन पहले जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने इस गौशाला का निरीक्षण किया था। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरह का निरीक्षण किया गया और गौशाला में जिला चिकित्सा अधिकारी को कुछ नजर क्यों नहीं आया। वहीं गौशाला पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लगातार गायों को बचाने के प्रयास किए जाते हैं और उसके बाद जो स्थिति है वो शर्मसार कर देने वाली है। नगर पंचायत के यहाँ डाले जाते हैं और चार दिन में कहीं की एक आध गाय की यहाँ मृत्यु होती है तो वो भी वहीं डाली जाती है। ये तीन चार दिन नगर पंचायत के पास भी जेसीबी नहीं है, किराए की जेसीबी बुलाते हैं और तीन चार दिन में गाय इकट्ठी होती है तब वो जेसीबी बेच के गायों को गड़वाते हैं। ये हमारा कोई मैटर नहीं है, हमें जैसे गोवंश की जानकारी लगती है मृत्यु की गो समिति से लगती है, जैसे तत्काल जैसे जानकारी लगी हम वहाँ जाके उनको क्रियाक्रम के लिए उपस्थित हो जाते हैं और क्रियाक्रम करते हैं। नहीं, हम वहाँ गोवंश को किसी मृतक को वहाँ नहीं छोड़ते। अभी मैंने जो देखा वो उसके कारण उसके हिसाब से जो है मृत जानवर जो है कोई भी ताजा जानवर अभी महसूस नहीं हुआ, पुराने जानवर है जो अभी गाड़े हुए पाए गए, कुछ हिस्सा गड़ा हुआ नहीं था, उसमें मिट्टी अच्छी तरह से डाली गई थी। इसमें से वहाँ पे इसको निर्देश जारी करेंगे और नगर पालिका को सीएमओ को भी निर्देश जारी करेंगे कि जो भी इस एरिया में जो भी गवर्नेंस है उस गवर्नेंस को अच्छी तरह गाड़ा जाए। इस वक्त हम जीरापुर की गौ सेवा सदन की गौशाला में मौजूद है और ये इस गौशाला का ग्राउंड है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कई सारी जो गायें यहाँ पर घूम रही है, ये गौ सेवा सदन गौशाला की गायें हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे जो है गायों के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहीं से जो कई सारी गायों का कंकाल का एक वीडियो सामने आया है। और अभी फिलहाल स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर जो है कई सारे गोवंश के शव के कंकाल जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और देखेंगे कि यहाँ पर जो जेसीबी की मदद से आज गड्ढा खोद कर भी जो है कई सारे गोवंश के शव को यहाँ पर दफनाया गया है। ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये आज सुबह इन गड्ढों को खोद कर इन गोवंश को दफनाया गया हुआ है। यहाँ पर इस गौशाला के जो उपाध्यक्ष है वो मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब देख रहे हैं यहाँ पर जो ये यहाँ पर कई सारी गोवंश के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या कारण है, कहाँ से ये आए हुए हैं? ये जो जीरापुर नगर में जो गोवंश है जो विचरण करता है तो जीरापुर नगर परिषद के द्वारा भी उनको यहीं डाला जाता है और हर चार या पांच दिन में जेसीबी से जब 10-20-25 गाय इकट्ठा हो जाती है तो उनको यहाँ दफनाया जाता है, तो सारी जीरापुर नगर की गाय यहाँ आती है। ये आज सुबह भी यहाँ पर दफनाई गई गाय? हाँ, आज ये अभी आपके सामने जेसीबी आई थी, हर चौथे या पांचवे दिन जेसीबी आती है और इनको यहाँ दफनाया जाता है। हमने मानवता के नाते, क्योंकि जीते जी तो लोग गायों को अपने यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, उनको खाने के भूख से वो मर रही, लेकिन मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार उनको जगह मिल जाए उसके लिए इस मानवता के नाते हमने गौ सेवा सदन समिति ने इस चीज की मंजूरी दी। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनिल लागर लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, एक तरफ बात होती है कि गायों को बचाने की, गौ माता को बचाने की, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाली, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा इस पर? देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार गोवंश को लेकर तमाम तरह के कड़े कानून बना रही है, लेकिन जीरापुर गौशाला से जो तस्वीर निकल कर आई है उसने कई सवाल जो है खड़े कर दिए। देखिए, गौशाला प्रबंधक नगर परिषद पर आरोप लगा रहा है, नगर परिषद गौशाला प्रबंधक पर आरोप लगा रहा है। नगर परिषद का कहना है कि जो गाय है वो गौशाला की ही गाय है, उन्हीं को दफनाने के लिए नगर परिषद की टीम जाती है, और गौशाला प्रबंधक का कहना है कि जो गाय है वो जीरापुर नगर की है,
वो टीचिंग ग्राउंड जो जीरापुर में था वहां पर गायों को दफनाया नहीं जा रहा था, जिसके चलते नगर परिषद इन गायों को नगर की जो मृत गायें थी उनको लेकर यहां पर आ रहे थे। देखिए दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई है वो शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए गोवंश का मांस गायें खा रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं, और एक नहीं 20-20 गायें वहां पर गोवंश मरे पड़े हुए हैं और इनको खुले में फेंक दिया गया है। देखिए कई सारे सवाल सिस्टम पर खड़े हो गए, जिम्मेदार कहां थे? 4 दिन पहले पशु चिकित्सक अधिकारी वहां पर जाते हैं, निरीक्षण करते, क्या निरीक्षण करते हैं, क्या उन सबको ये दिखाई नहीं दिया? वो खुद कह रहे हैं अनिल सब सो रहे हैं, चाहे वो नगर परिषद के कर्मचारी हो, गौशाला प्रबंधक हो, क्योंकि वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन स्थिति तो साफ है कि ये दोनों तो आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देखिए बिल्कुल जो गायों को है माँ माना जाता है हमारे देश में, और उनकी दशा क्या हो रही है, कुत्ते खा रहे हैं, गाय गाय का मांस खा रही है, बहुत शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं रसिका, ये इससे बड़ी शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आ सकती। देखिए अब ये आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अनिल, अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार कब इस पर कार्रवाई करते हैं, और ये बात सरकार तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। जांजगीर चांपा में किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को अब पैसा पाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक किसान लाइन में खड़े रहते हैं और बिना पैसे के ही घर लौटना पड़ता है। किसानों ने आरोप लगाया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिम्मेदार अधिकारी कमीशन की मांग करते हैं, जो कमीशन देता है उसे पीछे के दरवाजे से पैसे दे दिए जाते हैं। किसानों ने बैंक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। पूरे रोड तक लाइन लगाने रहते हैं और नहीं मिल पाता है, उसी स्थिति में हम चप्पल जूता पत्थर को रखते हैं, उसके बावजूद भी मतलब फिर भीड़ भाड़ हो जाता है और अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति थे लगभग हम मतलब पैसा भी दे के शुरू नहीं करे है। सुबह ले आए थे 8 बजे लाइन लगता, चप्पल जूता झोला दुनिया भर के लाइन लगा था, शुक्रवार के भी आ रहे हैं, ओकर बाद पर्ची जमा करें तो जमा नहीं लेंगे क्योंकि फिर 8 बजे गए रात के घर, सोमवार के भी आ रहे हैं तो कल पूरा भीड़ के मारे लाइने नहीं मिली, और आज 8 बजे लाए 8 बजे फिर मिले नहीं अभी तक के पैसा। जी पैसे सिलक की व्यवस्था मुख्यालय द्वारा किया जाता है, तो बाहर से आने के कारण थोड़ी विलंब हो जाती है। सिलक जो है 2 बजे के करीब आई है, उसके बाद भुगतान प्रारंभ हुआ है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी किया गया था, लेकिन किसान के द्वारा धान खरीदी करने के बाद अब बैंक से पैसा लेने का समय आ गया है। लेकिन जांजगीर के जिला सरकारी बैंक में आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों से अधिक यहां पर भीड़ नजर आ गई है, जिन लोगों को पेमेंट अभी नहीं मिल पाया है, धान बेचने के बावजूद भी पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही। हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनसे आइए हम सुनते हैं, जानते हैं कि उनको किस प्रकार की समस्या हो रही है। जी आप क्या नाम है और किस प्रकार से आप लोग को समस्या हो रही है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोर नाम रामधन साहू, ग्राम बनारी है, और मैं सुबह 11 बजे से आए हूँ, मोला पैसा नहीं मिला थे। किसान को काफी समस्या हो रही है टाइम पे पैसा नहीं मिलने से, अब ये देखना होगा कि अधिकारी इसमें किस प्रकार का संज्ञान लेते हैं, क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करके यहाँ धान बेचकर यहाँ अपना पैसा लेने आए हुए हैं, लेकिन समय पर नहीं मिल रहा है। जितेंद्र कुमार, जी मीडिया के लिए जांजगीर चांपा से। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सरकार वो तमाम कोशिश कर रही है कि किसानों को फायदा मिल सके, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी हर चीज में कमीशनखोरी कर रहे हैं। जी रितिका, मैं बता दूं कि यहाँ जांजगीर चांपा जिले में लगातार किसान समस्या से जूझ रहे हैं। मेहनत करके उन लोग फसल उगाकर उसके बाद पैसे के लिए जिला सरकारी बैंक पहुंच रहे हैं, सुबह से लाइन लगाए रहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इन लोग बैठे रहते हैं, फिर भी इन लोग को पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांजगीर चांपा जिले में एक ऐसा बैंक है, जिला सरकारी बैंक, जो सुबह 10 बजे से बैंक को खोला जाता है, लेकिन यहाँ बैंक का हाल ऐसा है कि यहाँ पर शाम 4 बजे से पैसा देना किसानों को प्रारंभ करते हैं,
जिससे किसानों को आने जाने में काफी समस्या होती है। दूर दूर से किसान पैसा लेने के लिए यहाँ पास पहुंचे होते हैं बैंक, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल पाता। और बैंक प्रबंधक का कहना है यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पैसा दिया जाता है, काफी गांव के लोग यहाँ पैसा लेने पहुंचते हैं, इसलिए काफी दिक्कत होती है, इसलिए हमको बांटने में काफी परेशानी होती है, इसलिए देने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, और सरकार तक ये बात पहुंचनी जरूरी है क्योंकि तमाम वो योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता नहीं दिख रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जितेंद्र आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।